हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं पेज नंबर 24 पर जो ग्रीन ट्री दे रखा है, आपको कॉटन बड से ग्रीन ट्री बनाना सिखाऊंगी। उसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें कॉटन लेनी है और पेंसिल को लेकर कॉटन को पेंसिल के पीछे की तरफ इस तरह से लगाकर आप इसको रबड़ बैंड से टाइट कर सकते हो। इस तरह से आप इसको रबर बैंड लगाकर इस तरह से तैयार करके फिर क्या करना है, आपको वाटर कलर लेना है, डार्क ग्रीन कलर लेने के बाद आप इसको लाइट करने के लिए इसके अंदर आप येलो कलर मिक्स कर सकते हैं। इसको लाइट करने के लिए ग्रीन जो डार्क ग्रीन कलर होता है उसको लाइट करने के लिए हल्का सा येलो कलर डालने पर वो लाइट ग्रीन बन जाता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि डार्क ग्रीन के अंदर जो कॉटन से हमने पेंसिल तैयार की है, डार्क ग्रीन के अंदर उसको डीप करेंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ इस तरह से लगाते जाएंगे। और कैसे लगाना है आपको पता है, लाइन के अंदर की साइड, लाइन के बाहर बिल्कुल भी कलर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से आपको कलर में डीप करते जाना है और इसको पूरे को इस तरह से फिल करना है। उसके बाद जो अंदर स्पेस छुटी हुई है यहाँ पर भी डार्क कलर से कहीं कहीं, सब जगह नहीं बनाना है, कहीं कहीं आपको डार्क कलर से इसको इस तरह से फिल करना है। उसके बाद मैंने बताया आपको जो लाइट ग्रीन बनाना है, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन के अंदर हल्का सा हम येलो कलर मिक्स करेंगे तो लाइट ग्रीन बन जाता है और लाइट ग्रीन से हम डॉट्स बनाएंगे। उसके बाद इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है और इसकी फोटो सेंड करना है। ओके, बाय, गुड डे।